बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको इस वीडियो में ग्राफ सिखाऊंगा y इज इक्वल टू साइन हाफ एक्स और x लाई होगा हमेशा 0 इज लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो आप देखिए ये 1/2 यानी पूरे 2 पाई में हाफ साइकिल आएगा, यानी पूरा तो ग्राफ निकलना नहीं है। अच्छा तो अब आप देखिए अगर इसको ड्रॉ करूंगा मैं तो ड्रा ऐसे करूंगा, पहले तो ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर इसमें एक्स एक्सिस, अच्छा अब ये थोड़ा सा लाइन इधर हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अब ये देखें ये जीरो एक साइड, यानी अगर ये 1/2x जो है 2 पाई है तो x इक्वल आ जाएगा 4 पाई। 4 पाई तक तो हमारी वैल्यू है ही नहीं, तो हमारी सब 2 पाई तक हाफ साइकिल आएगा, सब एक ही साइकिल आएगा। ये देखिए अगर ये प्लस 1, सारी बातें वैल्यूज प्लस 1 और माइनस 1 के दरमियान है, साइन है प्लस 1 माइनस 1, सब एक ही साइकिल आएगा। देखें ये साइकिल है, बस ये जीरो यानी आपका हाफ साइकिल आएगा जीरो और इसमें ही आपके टू पाए तक है, यानी जीरो और ये टू पाए है, तो ये जीरो है तो ये यकीनन पाए होगा, जीरो पाए और टू पाए। ये तो हमारा हो गया वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स जो है ब्लैक है। अच्छा अगर मैं इसको ब्लू में यानी अब मैं स्केल दे दूं पहले, सबसे पहले देखें ये जीरो पाई टू पाई, बस यही काफ़ी है। अच्छा अब आप देखें कि जो दूसरा आएगा इसमें कि आपका अगर फॉर एग्जांपल ये हो कि साइन एक्स भी इसी में ड्रा करें, तो साइन एक्स इसी में ड्रा करने के लिए इसमें पूरा एक साइकिल आ जाएगा। पूरा एक साइकिल आने का मकसद है कि मैं साइन एक्स ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ, अगर एग्जामिनर कहे कि इसी में साइन एक्स करें, हमेशा एक बात ध्यान रखें, पहले जो भी एंगल में होता है वो अलग किया करें फिर साइन एक्स का किया करें। तो इसमें साइन एक्स का ग्राफ ये इधर जीरो आ जाएगा और इधर ये पूरा ये साइकिल बनेगा ये ब्लू पेन से, ये वाई इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ ब्लू से वाई इज इक्वल साइन एक्स और ये जीरो होगा, ये यकीन पाए 2 है, ये पाए है और ये होगा 3 पाए अपान टू और ये होगा 2 पाए। तो आप देखें इस तरीके से हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल साइन हाफ एक्स का ग्राफ निकलता है।